आई नो एवरी वन, मैं बहुत लेट हो गई हूँ इस वीडियो को अपलोड करने में। सर बताऊँ ना, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लगातार से ऑर्डर लगे रहते हैं, घर का काम और बहुत कुछ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो एडिट करना, वॉइस ओवर करना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आज बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैंने वॉइस ओवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ना, आप बता तो दो मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ गणपति बाबा के लिए स्पेशल मोदक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक पैन, उसमें डाला 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1/4 कप डाला मैंने इसमें गुड़, अच्छे से मिक्स किया। इसमें डाला मैंने कटे हुए बादाम और थोड़े से किशमिश, इसको साइड में रख देंगे। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में लिया है 3 कप पानी और 1.5 कप उसमें डाल दिया मैंने चावल का आटा। इसको अच्छे से पका लेना है। ठंडा करने के लिए एक थाली प्लेट में निकाल लेंगे जो ठंडा हो जाएगा। इसके बाद इसको हमें मसलना है करीब 3 से 4 मिनट के लिए, अच्छे से मसल लेंगे इसको। और फिर हमको इसको एक लोई बनाकर उसको हाथों की मदद से ना बड़ा करना है, बेलन से मत करना वरना वो टूट जाएगा। और इसके अंदर फीलिंग फिल करनी है। इसके बाद हमें इसको वो मोमोज वाला शेप देते ना, सेम ऐसा ही करना है, कोई डिफरेंट नहीं है। फिर मैंने एक चम्मच ले ली और उस पर ना वो मोदक वाली डिज़ाइन दे दी, बहुत सिंपल है। आप भी ऐसे ना, अगर आपके पास मोदक का मोल्ड नहीं है तो बना सकते हो। तो चलिए अब मोदक को स्टीम कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में पानी डाला है और उसके ऊपर एक छलनी रख दी, फिर इसमें अपने मोदक रख दिए और 10 मिनट के लिए इसको स्टीम कर लेंगे। मैंने यहाँ पे केसर भी लगाई है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। 10 मिनट के बाद हमारे मोदक बन के रेडी हैं, अब इनको सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पर इनको केले के पत्ते के ऊपर सर्व किया है और देख सकते हो कितने मस्त लग रहे हैं हमारे मोदक, ये बनकर बहुत अच्छे रेडी हुए थे। तो चलिए गणपति बाबा को का भोग लगाते हैं। आप भी बनाइए और आप भी अपने गणपति बाबा को भोग लगाइए। आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।